हाँ सर, कहाँ जा रहे हैं आज? ब्रो आज जा रहे हैं हम लोग गुड़गांव नगरी में। बहुत दूर जाना है यहाँ से, और तेरे को पता बड़ा इम्पोर्टेंट क्या काम हो गया आजकल। जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, ये रेबैन का जो मतलब कहता हूँ ना, कैमरा लगा के घूमने की जो आदत हो गई, मुझे लगा इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। और अभी यहाँ से 2 घंटा दिखा रहा है स्टूडियो जहाँ पे हमारा शूट है। तू एक्साइटेड है चलने के लिए? बिल्कुल है तैयारी। आज दोनों ऐसा लग रहा है ब्लैक ब्लैक आए, दोनों ब्लैक ब्लैक तैयार हो गए हैं अभी। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव हमारे एक बहुत ही सुपर टैलेंट के साथ शूट करने के लिए। लेट्स गो। चलो जी लेट्स गो। गड़बड़ होगी। मैं अभी अशोक के साथ क्रॉस चेक कर रहा था, लाइट आ गई, कैमरा बैग आ गया, लैपटॉप आ गया, टेदरिंग केबल आ गई। एकदम से ध्यान आया कि भाई व्हाइट बैकग्राउंड रखना भूल गए। फिलहाल हमारा जो शूट है बहुत ही बड़े अच्छे स्टूडियो में है जहाँ जा रहे हैं, बट मुझे लगा टू बी ऑन अ सेफर साइड अगर उसको हम लोग साथ रख लेते हैं, क्योंकि यू नेवर नो रिक्वायरमेंट आ जाती है कभी चार्ट पेपर की। स्टूडियो है, चार्ट पेपर जरूर होगा वहाँ पे उनके पास। बट अब हम वापस जा रहे हैं, ऑलमोस्ट निकल गए थे एंड नोएडा के एग्जिट तक पहुँचने वाले ही थे, माइंड में ये आई बात, और अब हम आ गए वापस लेने के लिए। अंकल रोकेंगे नहीं, अंकल गाड़ी ठोकेंगे। तो चलते हैं वापस अब स्टूडियो, सामान दोबारा लोड करते हैं। बैकग्राउंड आएंगे क्या जब दोबारा सेट करना पड़ेगा? चलो करना पड़ेगा, तो लेट्स डू इट। कब आएगा सामान? अरे दोबारा करना पड़ेगा सेटिंग यार। और पता है मैं एंड तक मुझे लग रहा था कुछ छूट रहा है, ये हो गया लाइक डैम यार। और पता है सुबह का टाइम गुड़गांव जाना एक अलग ही आफत है, एक अलग ही कहते हैं ना आपको, 2 घंटे कहीं नहीं गए सुबह ऑफिस आवर्स में। हमारा कॉल टाइम जो है 11 बजे का, ऑलरेडी लाइक हम लोग 9 बजे निकले थे, अब 9:25 पे हम लोग वापस आए हैं। अब सामान लोड करेंगे, दोबारा पीछे जगह बनाई जाएगी एंड फिर जाएंगे ना, आई होप। चलो 11 बजे तक पहुंच जाए एंड सेटअप करने में तो ज्यादा टाइम हमको नहीं लगेगा, बट ये सी वापस आना, और हमें लग रहा है ट्रैफिक से पहले पहले नोएडा पार कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। बट सर आप सबसे पहले चले जाना, हाँ हम लोग को बता देना क्या सीन है, अगर वहाँ जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे ना। फिलहाल के लिए इसको साइड रख देते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ रख देते हैं ना, देखा खराब ना। बस आ गया ना सब, चलो चलो भैया। तो गाइज अगला पिट स्टॉप आ गया हमारा, अब हम आ गए पेट्रोल पंप पे। अब ये रियलाइज किया निकल तो गए हैं, और जितना दूर गुड़गांव और रस्ते पे हाईवे पे पेट्रोल पंप मिलने वाले हैं कम, तो पिट स्टॉप ले तुम लोग पहले क्यों नहीं देखते, पेट्रोल नहीं डलवाया हमने। सब शिवा की गलती है, शिवा ऐसे घूमता रहता है। कल भी तो गया था गाड़ी में घूमने के लिए तू रात को, इलेक्ट्रिक जब से इलेक्ट्रिक ड्राइव शुरू करी है ये गाड़ी निकालना ऐसा लगता है मन ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक इतनी कन्वीनियंट है, छोटी कहीं भी ले जाओ, कहीं भी पार्क कर लो। पर सुबह मैं मॉल गया, पूरी पार्किंग फुल थी, एक छोटी सी जगह थी वहाँ पे जिसपे मतलब हमारी इलेक्ट्रिक छोटी आ सकती थी, सब पार्किंग ढूंढ रहे थे, हमने पार्किंग लगाई, आराम से मॉल चले गए। उसका आराम तो है, बोनेट भी नहीं है। जो हमने सोचा था वही हुआ है, अब ये पूरा का पूरा रास्ता अटका हुआ है, और ये स्ट्रेच जो है 20 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट दिखा रहा है। जब तक यहाँ से निकलेंगे नहीं तभी तो सांस आएगी मुझे लग रहा है। सब अपना अपना कंबल और वो निकाल लो भाई, बेड वगैरह जो भी निकाल के तुम लोगों को लेटना है। तो ट्रैफिक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और धीरे 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 मुझे लगता है जब तक सरता यार एंड तक नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। ये चेक करो भाई, ये चेक करो, जितनी गाड़ी ने उससे तो बड़ा बेस ट्यूब लगा रखा है गाड़ी के अंदर। तो ठीक है, आज क्या स्पीकरों का कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या? सामने देख लो, 2 माउंटेन बनाए हुए इन्होंने। तो फाइनली 2.5 घंटे के बाद हम लोग स्टूडियो तो पहुंच गए, बट अभी लोकेशन हमें यहाँ के रोक दिया है, और अभी अशोक चेक करने गया कि लोकेशन ये है कि नहीं। भाई अलग ही टास्क है ये तो, इतना अंदर जाके भाई, इतने क्रिकेट ग्राउंड तुमने लाइफ में नहीं देखे जितने। हर दूसरी जगह पे देखो, सामने भी आपको क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है, पीछे भी कोई मोहन करके क्रिकेट ग्राउंड था, हर दूसरा एरिया छोड़ के यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है। बढ़िया पहुंच गए भाई शिव। हाँ यही है, तो गेट खुलवा दो भैया। नहीं तो गाड़ी नहीं जाएगी अंदर, तो कब खोलेंगे गेट हम? नहीं कह रहा, आ जाओ मेरे को यहीं से उठाने के लिए बोल रहा है। वहाँ बाहर खोल दे तू, कोई दरवाजा लेता हुआ चला जाएगा इनका साथ में बाहर। चल चल तू तो ले, अंदर तो ले, कर देगा ना बंद फिर। हाँ सही कह रहा है, वो देखो सत्य भी पहुंच गया, मेकअप भाई भी हमारे ढूंढते ढूंढते। तो जगह है नहीं यहाँ तक, तो पार्किंग खुल गई, गेट बाहर लगा दिया उन्होंने। यार उनकी लोगों की गाड़ियां फंस जाएगी, चलो एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। हाय ब्रो, सब बढ़िया यार? हाँ यार, क्या हाल चाल? ऑल गुड, सब बढ़िया। तो भाई ये रहा हमारा स्टूडियो स्पेस, और यहाँ पे अब हम लोगों ने अपना फोटोशूट का सेटअप रेडी किया। ऑलरेडी वीडियो वाले अपनी टीम लगी हुई थी, वीडियो का अलग सेक्शन था, और प्लान ये था कि पहले फोटो होंगी उसके बाद वो फोटो करके वीडियो में जाएंगे, ताकि वीडियो वाला जो काम जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बाद में, वो फोटो जो क्विक होती है वो पहले हो जाए।
दो लुक्स हो गए गाइस, बहुत ही अच्छा शूट हो रहा है, बहुत ही मजेदार शॉट्स मिल गया। लेकिन टीम अभी नाराज हो गई है, क्यों? क्योंकि अभी ध्रुव के साथ उन्होंने शूट कर लिया और उसके बाद रियलाइज किया कि नीचे पन्नियां डाली हुई हैं। बट कोई बात नहीं भाई, आपका AI से जूतों पे लगा देगा, रीबॉक और एडिडास के जूते। तो ये पूरा सेट है आज के शूट का, जैसे आपको बताया। शूट शुरू होते होते थोड़ा लेट हो गया। ओवरऑल एवरीथिंग इज गोइंग गुड, कमाल के शॉट्स मिल गए, बहुत अच्छे शॉट्स, और आई कांट वेट जल्दी आप लोगों के साथ ये शॉट्स शेयर करेंगे। फिलहाल अरविंद अपनी पार्टी शुरू कर दी, चिप्स की खा ले, खा ले, डाइट पे है ना। ऑलराइट पैकअप हो गया, शिव ने 15 कुर्सियों पे बैठ गया। अब दिक्कत क्या है कि बस वैनिटी का निकलने का हम लोग वेट कर रहे हैं, वैनिटी निकलेगी उसके बाद ही हमारी गाड़ी ये फंसी हुई है यहाँ पे सामने, तभी गाड़ी निकलेगी। वैनिटी बस निकले और हम फिर चलेंगे घर की ओर, जो कि मिनिमम 2 घंटा इस टाइम पे रात को दिखेगा यहाँ से चलने में टाइम लगेगा लगेगा। तो गाइस फाइनली पहुँच गए घर, बहुत ही बिजी डे रहा और अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11:30 बजे का, काफ़ी लेट हो गया बिकॉज बीच में मेरी एक मीटिंग आ गई थी। अब तो बस ये है कि बस कोई सुबह तक डिस्टर्ब ना करे, कल की मेरी एक दो मीटिंग्स थी वो मैंने कर दिए 12 बजे के बाद। सो ये रहा पूरा आज का शूट का डे जो आपके साथ मैंने शेयर किया, कैसा लगा आपको नीचे लाइक कमेंट करके बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।